हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट पे। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एक तेज़ी है और BTC कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू 27,000 है। इथेरियम 1700 से ऊपर चल रहा है, BNB 330 के आसपास चल रहा है, मैटिक 1.21 के आसपास चल रहा है, यानी कि BTC इथेरियम ने तो समझिए कि 7 से 8% की अच्छी खासी एक बढ़त ले ली है। और उसके साथ ही जो भी ओल्ड कॉइंस थे, ठीक है, उनको जो एक मौका चाहिए रहता है कि भाई BTC अगर ऊपर चल रहा है तो हम भी डबल डिजिट के अंदर प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ऑल मार्केट के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, एक अच्छी खासी तेज़ी है। हम आगे चर्चा करें, उससे पहले इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बता देता हूँ कि 27,300 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद से 28,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, अब ये मार्केट में अचानक इतनी तेज़ी कैसे आ गई? ओके, ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर? सो जैसे कि आप और हम जानते हैं कि इससे पहले मार्केट की जो हालत थी बड़ी खस्ता थी। ओके, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, ठीक है, जो सिचुएशन है वो 2008 जैसा क्राइसिस होने वाला था। 3 US के बड़े बैंक्स डगमगा गए, ठीक है, बंद होने के कगार पे बंद ही हो गए, ठीक है। अब स्थिति इतनी खतरनाक थी, बट फेड ने सोचा कि भाई वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा कुछ हुआ तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमिनोज इफेक्ट होता है, यानी कि एक चीज़ अगर गिरता है उसके साथ पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो तबाह हो जाता है। तो फेड और बाकी जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उन्होंने फटाफट आलन फालन में सोचा चलो एक जल्दी से प्लान बनाया जाए। और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो बैंक्स को कहा कि बैंक्स तो बहुत गिर चुके थे, जो छोटे मोटे जैसे आप हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं उसी तरह US में जो भी बैंक्स वगैरह थे, छोटे मंझोले जो भी थे, सब 50-70% के आसपास गिर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, एक रिलीफ फंड तैयार कर लिया, जो पहले भी हमने चर्चा की थी कि बैंक्स वगैरह उसमें से अमाउंट बोरो कर सकते हैं साल भर के लिए एक छोटे से इंटरेस्ट रेट पे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, हम नियर अबाउट 164 बिलियन जो है, जो एक स्टैट्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि लमसम 164 बिलियन के आसपास जो फंड था वो अभी बैंक्स ने बोरो कर लिया, ठीक है। अब बैंक्स की हालत ठीक ठाक हो गई है, ठीक है। अब फेड ने क्या कहा कि भाई ठीक है, ये तो इतना काम हो गया। अब फेड ने कहा FIDC से, फेडरल इंश्योरेंस डिपॉजिट जो था कॉरपोरेशन है, कि भाई आपने भी दो बैंक को गोद लिया है, एक सिल्वर गेट है शायद और दूसरा सिग्नेचर बैंक है, ठीक है भाई, इनको संभालने का खर्चा पानी तो लगेगा, तो हमारी तरफ से आप 140 बिलियन आप भी ले लो, मौज करो और इन बैंकों को संभालो। तो ओवरऑल अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि जितना भी पैनिक था मार्केट के अंदर, खतरनाक पैनिक था, ठीक है, आपको हमको कुछ पता इसलिए नहीं चल रहा है कि जो होना था वो हुआ नहीं। ओके, जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे सब कि भैया आप तो खतरनाक, ठीक है, BTC यहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा, ठीक है, उम्मीदें बन गई थी, ठीक है, तो उस पर सबके पानी फेर दिया गया। ओके, और सिचुएशन पूरी एक नॉर्मल हो गई, कुछ भी नहीं है अभी। ओके, और इसी रीज़न से जो दिया है 164 और 140 रफली 300 बिलियन के आसपास फेड ने अपने बैलेंस शीट पे ऐड कर दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि भाई ये जो टैक्स पेयर है उनकी जेब का पैसा नहीं है, ये जो हमारा एक रिज़र्व अमाउंट होता है उसमें से हम दे रहे हैं, जब कभी इस तरह की स्थिति आती है बैंक्स वगैरह को संभालने के लिए उसमें से हम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वो पैसा है। तो इसमें से और लोगों को रिलीफ हो गया कि भाई ठीक है, चलो अब तो हमारे जेब से भी जाएगा नहीं, अच्छी चीज़ें सब कुछ सही हो गई। तो ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल के अंदर है। अब इसके अंदर एक और पॉजिटिव तड़का ये लगाया अभी, जिसके बाद से BTC जाएगा, BTC बात करते हैं हम लोग अभी, ठीक है, क्योंकि BTC तो ऐसा है कि भैया वो न्यूज़ हमारे काम की हो या ना हो, मार्केट पे न्यूज़ पॉजिटिव चलनी चाहिए तो भाई हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो BTC जो है वो अभी एक फ्रीवे रास्ते पे, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, फुल स्पीड में चलाओ। ओके, तो हम बात करते हैं एक और पॉजिटिव तड़के की क्या है। तो वो जो पॉजिटिव तड़का है वो होगा FOMC की जो मीटिंग होने वाली है 21-22 तारीख के आसपास, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में चर्चा किया जाएगा कि इसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना है।
जो बड़े एनालिस्ट हैं इस सेक्टर के अंदर, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग चर्चा करते हैं, बहुतों का यही मानना है कि इस बार जो फेड है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है, और अगर बढ़ाया भी तो भी मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट होगा। पॉजिटिव तड़का क्यों है? क्योंकि अगर कुछ नहीं बढ़ाया तो भैया कोई ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं सामने, मामला पूरा एकदम हरा भरा है। ग्लोबल मार्केट्स ने इस अनाउंसमेंट के बाद जंप ले लिया, ठीक है, गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइस अच्छी खासी जंप कर रही है, और मेरे ख्याल से 1936 के आसपास गोल्ड चल रहा है, और S&P 500 ऊपर की तरफ चल रहा है। नैस्टेक हम फ्यूचर की बात करते, नैस्टेक की हम बात करते, वो ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो अच्छा खासा चल रहा है, और BTC अपने एक टॉप रेजिस्टेंस के आसपास है, जो मैं वापस आपको कह रहा हूँ ये चैनल का, ठीक है, चांसेस तो बहुत अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए, बट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी एक टॉप रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है उसको एक पुल बैक मिलता है। व्हाट आवर स्ट्रेटजी विल बी हियर, लाइक कि हम अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है BTC, ओके, गो फॉर ए क्विक शॉर्ट स्कैल्पिंग, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे आ सकता है, इसमें कोई ताजुब होने वाली चीज़ नहीं है, प्रॉफिट बुक करो, निकल लो, ठीक है, ये मत सोचो कि 2022 तक हमें इंतज़ार करना, नहीं, 1000 1500 पॉइंट आएगा, बुक कर लो, ऊपर गया, सपोज करो वापस से 27300 से ऊपर आया, देन वेट फॉर ए शॉर्ट नियर अबाउट 28500 के आसपास, वहाँ से एक शॉर्ट मारो, ओके। और तो ये मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि FMC वाले भी अगर कुछ नहीं निकल के आता है तो एक रैली के लिए पूरा रोड जो है वो काफ़ी क्लीन है, ओके, ये पूरा एक मामला आपको मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर से समझ आ गया होगा, ठीक है, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमको तो बस पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाना है तो भाई थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह पे लगाओ, ओके। अब बात आती है BTC का क्या करना है, ओल्ड कॉइंस का क्या हो सकता है। अभी देखिए BTC है, ऑल्ड कॉइंस है, ग्लोबल मार्केट है, सबकी पांचों की पांचों उंगली जो है वो घी के अंदर है, ठीक है, नो डाउट मार्केट काफ़ी एक बुलिश है, पॉजिटिव है, और अगर कोई और ख़राब न्यूज़ आती नहीं है, देखिए ख़राब न्यूज़ तो ज़बरदस्त आ उठ चुकी है, इसके अंदर मार्केट का कुछ हुआ नहीं है, तो आपको न्यूज़ आती भी है तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी पैनिक वाली होगी जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा, ठीक है, बिकॉज सबका जो माइंडसेट है, जो भी ट्रेडर्स हैं सबका भी पॉजिटिव है, यहाँ से रैली पकड़नी है, ओके। तो बात हम करते हैं अब BTC की, कि अगर BTC जो है 28000 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर चले जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा BTC की आगे के मूव के लिए, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर की हम बात करते हैं, जब ये एक रैली स्टार्ट हुई थी, एक नीचे आई थी, 28000 का जो लेवल था इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, मतलब BTC ने इतनी ट्राई की थी, इतनी कोशिश की थी 28000 के लेवल को तोड़ने की, इसको तोड़ने के लिए उसको 7-8 महीने लग गए, तब जाके वो मामला टूटा, ठीक है। तो 28000 से अगर ऊपर आता है तो वही जो एक सपोर्ट था ना, ठीक है, वो वापस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा BTC के लिए, और BTC उसके ऊपर टिक गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम फिर BTC को 30+ की एक रेंज में देखेंगे, ठीक है। ये एज पर जो सिनेरियो अभी हम सब बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव है, उसके ऊपर से ये एक आधार निकल के आ रहा है, हमें हमारा माइंडसेट इस हिसाब से बना के रखना है। अनटिल एंड अनलेस वी नेवर नो कि शाम को सलाह कहाँ से कुछ न्यूज़ आ जाए, ठीक है, कहाँ से कोई अपनी टिप्पणी कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वी नेवर नो, बट थिंग्स आर क्वाइट पॉजिटिव हियर, ओके, और एक ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर 28 के नीचे आना BTC के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऑल्ड जो हैं वो भी एक ज़बरदस्त कहते हैं ना कि वो बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है, वही काम करेगा जो भी ऑल्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब दूसरी एक और जो चीज़ है जो मेरे हिसाब से BTC को एक पंप दे रही है, वो जैसे कि सीजन ने अनाउंस किया था कि 1 बिलियन के आसपास जो उन्होंने एक रिज़र्व रखा था जो स्टेबल कॉइन्स के लिए था, और स्टेबल कॉइन्स में जो ऊपर नीचे भी SEC की वजह से थोड़ा चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पैसा है हम जो नेटिव टोकन्स हैं, बिटकॉइन हो गया, बाइनेंस का BNB हो गया, इथेरियम हो गया, इसके अंदर हम निवेश करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। अब 1 बिलियन का जो है बाइंग है वो ऐसा तो नहीं कि वो एक ही दिन में कर देंगे, फटाफट कर देंगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं,
एक साथ करेंगे तो फटाक से मार्केट ऊपर जाएगा, एक पंप कहलाएगा, एक सीधा जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा लोगों को पैनिक लगता है। ठीक है, इनका काम है कि मार्केट में एक पॉजिटिवनेस लाना, तो जो रैली है वो इस हिसाब से चल रही है। ओके, इस हिसाब से चलेगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ पॉजिटिव मूव आ रहा है, पॉजिटिव मूव आ रहा है, धीरे धीरे बाइंग हो रही है। अगर ऐसे गया ठीक है तो लोगों को लगेगा ये एक स्ट्रेट पंप है, डंप हो सकता है, तो इस हिसाब से वो धीरे धीरे बाइंग हो रही है, ये बाइंग आगे भी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये है पूरा एक मार्केट का ओवरलुक है। ये पूरा मार्केट पॉजिटिव है, बट अगेन हमने टेलीग्राम पे चर्चा की थी 25,000 से ऊपर आएगा तो हमें एक लॉन्ग करना है, और 26-27,000 के आसपास हमें एक प्रॉफिट बुक करना है। और राइट नाउ मेरे सामने तो ये दो एक इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेट मी सी अगेन, ऐसा होता नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल टूट गया, नहीं, अभी प्राइस चल रहा है 26,630 के आसपास चल रहा है, और जो हाई बना था अभी इसी लेवल के आसपास 26,981 के आसपास एक हाई लगा है। मैंने शॉर्ट रखी है नियर अबाउट 27,150 के आसपास मैंने एक शॉर्ट रखा है। ठीक है, तो अगर वो हिट होता है तो ठीक है, और लेवरेज लो रखी है 2x के आसपास रखी है, ताकि इन केस कभी प्राइस ऊपर जाएगा ठीक है तो हम थोड़ा SL वगैरह से मतलब, क्योंकि SL एकदम पास लगा के कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, आप 500 पॉइंट के डिफरेंस में रखोगे तो बहुत चांसेस है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट मूवमेंट ऐसा है। ठीक है, तो आपको SL अगर रखना है तो यू पुट एज पर योर रिस्क एपिटाइट, कि मतलब आप कितना रिस्क झेल सकते हो। ठीक है, सपोज़ करो मैं रख रहा हूँ मेरे हिसाब से कि हाँ चलो मैं 30,000 तक भी खींच सकता हूँ इसको, कि वहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, तो अगर आता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में एक एवरेज आउट कर लूँगा, चांस ले सकता हूँ 30,000 के आसपास। इट टोटल डिपेंड्स अपॉन माय रिस्क एंड मैनेजमेंट, कि हाँ मुझे इतना लॉस उठाना है तो उठाना है। ठीक है, बट हाँ अगर सही गया, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि 26,200 से हमने जो शॉर्ट मारा था तो प्राइस गया था 23,970 के आसपास गया था, यहाँ पे 20% के आसपास हमने लिया था प्रॉफिट। ठीक है, तो थोड़ा सा चांस तो मार्केट में लेना बनता ही है। ठीक है, और चाहे वो आप एक डिप से माल उठाते हैं या एक टॉप से आप शॉर्ट करते हैं सोच के, तो वो एक चांस तो मार्केट में लेना बनता है। ठीक है, तो ये था टोटल मार्केट के ऊपर एक छोटी सी चर्चा। चार्ट्स में तो दिखाने के लिए वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब मार्केट चलेगा तो आप टॉप 5 टॉप 6 ऑल्टकॉइंस तो भूल जाओ, आँख बंद करके कोई भी ऑल्टकॉइंस उठा लेना वो 7-8% आपको ऐसी दे देगा। ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है, और स्टिल आई से कि बी केयरफुल इन दिस मार्केट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं आप में हम में से उनसे ये रैली मिस हो जाती है। ठीक है, एकदम फैक्ट बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने इसके अंदर मलाई खाली, नहीं, हाँ जिसने पहले से एंट्री ले के बैठा होगा तो उसको प्रॉफिट है, अदरवाइज जब रैली चलती है तो 90% जो लोग होते हैं वो सिर्फ रैली को देखते हैं, उस रैली के पीछे कूदते नहीं है, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट होता है वो ये कहता है कि भाई अभी तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है, भाई इसके अंदर नहीं कूदना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, ये माइंडसेट होता है टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो बहुत सारे लोगों की इसमें एंट्री नहीं होती है, जिनकी हुई उनको ठीक है, तो स्टिल डोंट वरी, हमेशा से वापस एक चीज़ याद रखो कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो बाय एंड डिप, होल्ड इट फॉर गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि जो भी बहुत नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो, और इसके बाद देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन फॉरेक्स, और फॉरेक्स के जो कॉल्स हैं, एल्गो कॉल्स हैं, जो डायरेक्टली ट्रेड होंगे और डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी उस वो ट्रेड कॉपी हो जाएगा। ठीक, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, कुछ कोडिंग्स हो रही हैं, उन कोडिंग्स पे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, तो वो भी हो जाता है तो आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।